बदलते भारत की शान। उत्तराखंड में खूबसूरती भी है और संघर्ष भी। इसे करीब से महसूस करना हो तो आइए कॉबर्ट नेशनल पार्क के पास। इन गांवों में यहां तस्वीर का वो रुख देखने को मिलता है जो पर्यटक अक्सर नहीं देख पाते। एक अलग ही चुनौती से जूझ रहे हैं यहां के लोग। उत्तराखंड में है विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वन प्रेमियों को इस जगह से खास लगाव है और हो भी क्यों ना, हरी भरी घाटियां, आसमान छूते ये पेड़ और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और इन सब के बीच बाघ पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाघ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही पाए जाते हैं, 200 से भी ज्यादा। लेकिन मुश्किल ये है कि यही बाघ आज उत्तराखंड के गांव के लिए परेशानी का सबसे बड़ा सबब बने हुए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बगल में दर्जनों गांव बसे हुए हैं, जैसे कि भारत के दूसरे हिस्सों में। पर दिक्कत ये है कि बहुत से ये गाँव कॉर्बेट के जंगलों की सीमा से सटे हुए हैं। इनमें से एक सुंदर खार तो बिल्कुल बाघों के कॉरिडोर में ही बसा है। अक्सर बाघ इन गांवों में आ जाते हैं, कई बार तो अपने शावकों के साथ। जाहिर है कि ऐसे में किसानों के साथ इनके टकराव का खतरा हर समय बना रहता है। पिछले कुछ सालों में कितने ही गांव वाले बाघों का शिकार बने हैं। कई बार ये टकराव जंगल में होता है, जहां गांव की महिलाएं अक्सर लकड़ी चुनने जाती हैं। या फिर बाघ खेतों में ही आक्रामक हो जाते हैं। बाघों का आतंक झेला है यहां के गांव वालों ने। गवाह है ये फेहरिस्त उन गांव वालों की जिन्हें बाघों ने मौत के घाट उतार दिया। फरवरी 2009 भगवती देवी, फरवरी 2010 कांति देवी, नवंबर 2010 नंदी देवी, नवंबर 2010 कल्पना मेहरा, नवंबर 2010 रेवती देवी, जनवरी 2011 शांति देवी, जनवरी 2011 पूरन चंद, मार्च 2014 कृपाल, अक्टूबर 2015 देवकी देवी। पीरू मदारा गांव की गीता पटवाल उन चंद खुशनसीब लोगों में से है जो बाघ के हमले से बच गए। ये वाकया कुछ महीने पहले ही हुआ और दूसरे दिनों की तरह ऐसे ही गन्ने के खेतों में गीता काम कर रही थी जब बाघ ने उन्हें आ दबोचा। सिहर उठती है गीता उस घटना को याद करके।
पाक के हमले के निशान आज भी गीता के जिस्म पर मौजूद हैं। सर जैसे हमने वहाँ धान काटे थे, धान के खेत था सर, जैसे खेत है ये, उधर गन्ना था किनारे पे, तो दिन हमने 2 बजे तक धानों में काम किया था, मतलब पराल काटा उसके बाद उसे झाड़ा, फिर शाम को थोड़ा रह गया था, तो मेरे साथ एक मुन्नी थी वो, तो हमने कहा शाम को थोड़ा घास भी काट लेंगे, किनारे पे डॉल थी वो, किनारे पे गए हम और धान पराली फैलेंगे, थोड़ा हमने पहले बैठे वहाँ अमरूद खाया एक, और उसके बाद जैसे ही हम डॉल किनारे गए वैसे ही आया एकदम आया मेरे ऊपर, और मैं डर गई, मेरा गिद्दड़ आया क्या आया, जब मैंने उसको देखा आते हुए तो सर लंबी लंबी धारी वाला बाघ था, जिसे लंबी लंबी काली काली धारी रहती हैं, बाघ था सर, तो जब देखा तो एकदम आया, उसके बाद एक लेडीज खड़ी थी जिसका मकान था, जिसे धान वो करने गए थे, वो छत पे खड़ी थी, थोड़ा उसने भी हल्ला किया, थोड़ा साथ वाली ने भी हल्ला किया, और वो एकदम तुरंत इस तरह और एकदम गया, और मेरा हाथ इस तरह हो गया, मैंने कहा पता नहीं क्या आया मेरे ऊपर ये, और जब देखा तो बाघ आता, एकदम गिर गई, फिर उसके बाद एकदम खड़ी हुई मैं, फिर वहाँ से दौड़ लगाई मैंने, फिर यहाँ खून बहुत सारा खून निकल रहा था, उसके बाद फिर मैंने चुन्नी बांधी अपने साथ वालों को, मुझे डॉक्टर के पास जाओ, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, तब तो उन्होंने मेरी बहुत सहायता की और डॉक्टर के पास पहुँचाया सर। सर जब वो आया तो मैं एकदम ऐसे इस तरह हाथ पैर छटपटाए, वो थोड़ा उसे भी खौफ था कि हाँ मुझे कुछ करेगी ये, और एकदम भागा वो छोड़ के। सर बच्चे भी बहुत छोटे थे, मैंने कहा बच्चे को कौन देखेगा बाद में, फिर चुन्नी से फटक से बांधे और साथ वालों का मुझे ले चलो, और यह कि स्कूटी जो मकान मालिकिन थी जहान थे ना जिसके, उन्होंने स्कूटी चलाई और पीछे से बैठ के गई, मैं चुन्नी लपेट रखी थी गले, उसके बाद हस्बैंड पहुंच गए थे ऑटो लेके, उसके बाद रामनगर ले गए वहाँ ट्रीटमेंट, फिर 9 दिन के बाद आए वहाँ सर हम। कॉर्बेट पार्क से सटा शायद ही कोई ऐसा गाँव होगा जहाँ लोगों का बाघ से सामना न हुआ हो। पिछले 3 दशकों से कॉर्बेट पार्क और इसके वन्य जीवों को नजदीक से देख रहे हैं इमरान खान। इस इलाके के जाने माने वन्य जीव विशेषज्ञ है ये, जैसा कि वो बताते हैं कि देखिए मानव वन्य जीव संघर्ष जो है वो उसके 3 मेजर पहलू हैं। एक तो टाइगर का बाहर निकलना और बाहर निकलने के बाद लाइव स्टॉक को मारना या किसी मनुष्य को मारना, एक लेपर्ड का बाहर निकलना और किसी मनुष्य को मारना या बकरी या किसी गाय भैंस को मारना, और तीसरा जो एंगल है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का वो है क्रॉप रेडिंग, जो किसानों की फसलें हैं उनमें हर्बीवोर्स का जाना, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो सांबर हो, चाहे जंगली सुअर हो, ये 3 चीज़ों से मानव वन्यजीव संघर्ष सामने आया है। इसकी क्वांटिटी एक तरह से कहें कॉर्बेट के परिप्रेक्ष्य में बढ़ गई है, क्योंकि कॉर्बेट में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कंजर्वेशन एफर्ट्स इस तरह से रहे हैं कि टाइगर का नंबर भी बढ़ा है, लेपर्ड का नंबर कॉर्बेट के आसपास के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ गया है, और हाथी की जनसंख्या भी कॉर्बेट में बढ़ गई है, प्रोटेक्शन अच्छा मिला है। कॉर्बेट से लगे हुए जो फॉरेस्ट हैं जिनको हम लैंडस्केप फॉरेस्ट कहते हैं, वहाँ पर मूवमेंट है ज़रूर लेकिन कई जगह बाधित है, और इस केस में एनिमल अपना बायोलॉजिकल फंक्शन प्ले करते करते जब किसी दूसरे फॉरेस्ट में जाता है और वहाँ पर वो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। एक बार टाइगर अगर जंगल से बाहर चला गया तो वापस नहीं आता है, फिर वो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा करके या तो उसको ट्रैंकुलाइज किया जाता है या उसको मार दिया जाता है, और ये पिछले कई सालों में इस तरह के 3-4 केसेज हमारे सामने हो चुके हैं। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच गुरुवार रात 10 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह।
समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। पर्यटन जंगल के लिए अच्छा है या बुरा, किस तरह का असर छोड़ते हैं ये सैलानी जंगल की आबोहवा और इसके प्राणियों पर। ये वो मुद्दा है जिस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। इमरान खान कुछ इस तरह से अपनी बात रखते हैं। टूरिज्म से ये तो फायदा हुआ है कि लोगों को रोजगार मिला है। मैं ये मानता हूँ कि भारत में 6 ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं जहाँ हम कह सकते हैं कि टूरिज्म डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है। जहाँ जहाँ टूरिज्म ज़्यादा है वहाँ वहाँ टाइगर की पॉपुलेशन ग्रोथ पे भी असर पड़ा है और थोड़ा सा वो इन्हेंस हुई है, बड़ी है। यहाँ टूरिज्म ज़्यादा है लेकिन यहाँ देखें आप कॉबर्ट में डेंसिटी ज़्यादा है, फॉरेस्ट की ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है। जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं अगर लैंडस्केप फॉरेस्ट आप उसको कहें, फॉरेस्ट ऑक्यूपेंसी का मतलब क्या होता है कि जो लैंडस्केप फॉरेस्ट में टाइगर ने अपने आप को जाके दोबारा से एस्टैब्लिश किया। हम जहाँ पर बैठे हैं ये पावरगढ़ कंजर्वेशन एरिया का हिस्सा है, यहाँ 46 टाइगर पिछले सेंसस में। कई तरह की मुसीबतों में उलझे हुए हैं कॉबर्ट पार्क के पास बसे ये गाँव। अब सुंदरखाल की दिक्कत तो बिल्कुल अलग तरह की है। बाघों और बिगड़ैल हाथियों से यहाँ के लोग हर वक्त ही परेशान रहते हैं, आए दिन ही ये सहमे रहते हैं, ना मालूम कब हाथी इनके बीच से गुजर जाए। सुंदर खाल के पास ही बहती है ये कोसी नदी। ये दिलकश तो है पर इसकी बदलती धारा ने इस गांव के लिए एक नई चुनौती को जन्म दिया है। नदी से निरंतर हो रहे कटाव की वजह से यहाँ के कई घर नष्ट हो चुके हैं। और इसको लेकर गांव वालों में खासी नाराजगी है। और पिछले से आप ज्यादा अंधकार में है क्योंकि पिछले ऐसा था कि हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर धान की खेतियां की हैं, गेहूं की खेतियां की हैं, चारों तरफ घेरबाड़ अच्छी हुआ करती थी, टाइगर का इतना मूवमेंट नहीं था, बहुत दूर दूर टाइगर, क्योंकि इनका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र यहाँ से 10 किलोमीटर दूर था पहले। जब इसने जब इसने अपना क्षेत्रफल बढ़ाया तो सड़क के किनारे आ गया। अब सड़क के किनारे आ गया तो इसने हमारे को तंग करा, यहाँ पर जंतु के द्वारा जो है हमारे यहाँ पर सारा भ्रष्ट हो चुका है। यहाँ रहने का बस यही है भाई, स्थिति भाई खाली रहना है खाली। और बता रहे हो आप जैसे टाइगर का और हाथी, टाइगर आता रहता है, हाथी भी तो उससे तो काफी डर रहता होगा गांव में लोगों को है? उससे काफी डर रहता होगा। हाँ डर तो साहब ऐसा है ना, अब वो जंगल का शेर है भाई, जंगल के शेर से हर आदमी डरेगा है? तो इतना है कि हम इतने नहीं डरते हैं, इतने क्यों नहीं डरते हैं, हमें शाम सुबह का मालूम है ना कि कब आएगा मतलब ये आ रहा है करके। एक तो उसकी पैर की आवाज़ आती है,
शेर की, मतलब कट 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 करके खुशबू आती है। अच्छा, हाथी जो है चुपचाप नहीं जाएगा, वो कोई ना कोई चीज तोड़ते जाएगा। अच्छा, उसका ये मालूम होता है। देश भर में वन्य जीव पर्यटन की सूरत तेजी से बदल रही है, कॉर्बेट पार्क भी इससे अछूता नहीं है। ये है पर्यटकों के बढ़ते दबाव की एक मिसाल। अगर जंगल में जाने से चूक गए तो शहर की सड़कों पर ही हाथी को दौड़ा लो। कोई बहुत अच्छी नहीं है ये तस्वीर, पर आज के दौर की हकीकत है। इस पूरे इलाके में बदलते हालात पर वरिष्ठ वन अधिकारी और रामनगर की डीएफओ नेहा वर्मा कुछ यूं रोशनी डालती हैं। ऑलरेडी हम लास्ट 6 ईयर से हम कह सकते हैं कि हम टाइगर का अटैक ह्यूमन पर बढ़ते हुए देख रहे हैं। टाइगर, पहले हमारा स्टाफ जंगलों में घूमता था, बेफिक्र होकर घूमता था, टाइगर नहीं अटैक करता था। हाथी से पहले ही डर था स्टाफ को, टाइगर से बहुत कम था, पर अब धीरे धीरे ये टाइगर हमारे स्टाफ पे भी अटैक कर रहा है। टाइगर का एग्रेशन बढ़ रहा है एंड परहैप्स वो इसलिए क्योंकि ह्यूमन का टाइगर के हैबिटेट में इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। टाइगर इज गेटिंग मोर एंड मोर इन कॉन्टैक्ट विद ह्यूमन बींग, वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन बींग के टच में आ रहा है, तो वो अपनी एक तो शाइनेस खो रहा है एंड वो कहीं ना कहीं से एग्रेसिव हो रहा है। जो ये वारदातें बढ़ रही हैं, जो टाइगर का एग्रेशन बढ़ रहा है, ये इसके लिए बहुत हद तक इको टूरिज्म भी रिस्पॉन्सिबल है, टाइगर टूरिज्म भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जिस तेज़ी से रिजॉर्ट्स बढ़ रहे हैं इस एरिया में, वो पहले से वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उस वजह से प्रेशर बहुत बढ़ गया है, टूरिज्म का प्रेशर बहुत बढ़ गया, ना केवल कॉर्बेट के अंदर, जो रामनगर का डिवीज़न है जो पेरीफेरी में आता है, वो एक्सेसिव स्पिल ओवर टूरिस्ट की डिमांड को मीट करता है। सुंदर खाल और दूसरे ऐसे गांव की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इन मुद्दों पर हमने बात की कॉर्बेट पार्क के साथ लगे रामनगर शहर के ही रहने वाले करण बिष्ट से। जिस हिसाब से हमारा टाइगर कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की ओर ध्यान जा रहा है और लोग अवेयर भी हो रहे हैं, उसके कारण इनका भी नंबर बढ़ रहा है जानवरों का, जिसके कारण जो यंग टाइगर या लेपर्ड हैं वो अपना टेरिटरी बढ़ाने के लिए, जो बूढ़े टाइगर या लेपर्ड हैं या उसमें जो इंजर्ड हैं या बीमार हैं, वो गाँव की ओर को आते हैं कि हाँ उनको बाहर की ओर करते हैं, जिसके कारण ये सोचते हैं कि हम सॉफ्ट शिकार को अपना टारगेट करें, जैसे कि डॉग्स हैं, हमारी कैटल्स हैं, बूढ़े और इंजर्ड हैं, ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। हाँ, ये अपने लिए सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। जैसे अभी हालों में ही यहाँ पे एक टाइगर ने 2 लोगों को मार दिया था और 3 लोग घायल हो गए थे उसमें, और उसमें जब उस टाइगर को डिपार्टमेंट द्वारा उसको मारा गया तो उसमें देखा कि उसके नेल ही नहीं है, तो जिसके कारण ये अपना सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। नेल नहीं है, वो शिकार करने के काबिल भी नहीं कि वो जंगली शिकार करने के काबिल नहीं था, तो वो डॉग्स वगैरह पे हमला कर रहा था, या जैसे औरतें घास काटने जा रही थी या चारा काटने जा रही थी, तो उनकी जो पोजीशन थी वो 4 लेग एनिमल के जैसे हो गई थी, उसको लगा कि कोई जानवर, तो उसको लगा वो कोई जानवर है, तो जिसके कारण ये टाइगर या लेपर्ड इन हमारे साउदर्न जोन में ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। और कल ही एक अटैक हुआ भी है एक लड़के के ऊपर, वो कल गाय चरा रहा था तो उसके ऊपर लेपर्ड ने अटैक किया है, लेपर्ड या टाइगर ने। जिस ओर हमारी जनसंख्या बढ़ते जा रही है उसी ओर टूरिज्म भी बढ़ता जा रहा है, तो टूरिस्ट का प्रेशर भी कॉर्बेट के पार्क पे और उसके इर्द गिर्द काफ़ी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आसपास नए रिजॉर्ट डेवलप होते जा रहे हैं, और जितना ये बढ़ता जाएगा तो बहुत सारी जाति प्रजाति विलुप्त की कगार पे भी जा रही हैं। नहीं बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जब भी टूरिस्ट, कोई भी टूरिस्ट पार्क के अंदर एंटर करे तो उसको प्रॉपर एक गाइडेंस हो, चाहे वो पार्क के गाइडों द्वारा हो या पार्क प्रशासन की ओर से हो, कि उनको कैसे बिहेव करना है, जंगल में किस तरीके से उनको जाना है, वो प्रॉपर एक मैसेज टूरिस्ट को भी कन्वे होना चाहिए। जिंदगी के संघर्ष को देखने के लिए इससे बेहतर शायद ही कोई जगह हो, चाहे स्कूल जाते ये बच्चे हों, गांव में काम करते ये किसान, या फिर
लकड़ी की तलाश में जंगल जाती ये औरतें, इन पर क्या बीतती है ये यही जानते हैं। हैरत है कि चुनौतियों से हारे नहीं है ये, आज भी हंसकर मुकाबला कर रहे हैं हार आने वाली मुसीबत का।